नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश में खत्म हुआ समाजवादी पार्टी का सियासी दंगल। 20 घंटे में मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव और रामगोपाल का निलंबन किया रद्द। शिवपाल यादव ने कहा, पार्टी में सब कुछ ठीक, मिलकर करेंगे उम्मीदवारों का चयन। अरुणाचल प्रदेश की सत्ता पर अब बीजेपी का कब्जा। पेमा खांडू समेत पीपीए के 33 विधायकों ने थामा बीजेपी का दामन। पेमा खांडू ने ली सीएम पद की शपथ। नए साल पर आरबीआई का नया तोहफा। अब एटीएम से एक दिन में आप निकाल पाएंगे 4500 रुपए। कल से लागू होगा नया नियम। अनिल बैजल बने दिल्ली के उपराज्यपाल। 21वें एलजी के रूप में ली शपथ। वाजपेयी सरकार में गृह सचिव रह चुके हैं बैजल। दोहरे बम धमाकों से दहली इराक की राजधानी बगदाद। अलसिनाक बाजार में हुए आत्मघाती हमले में करीब 30 लोगों की मौत, 60 लोगों के घायल होने की खबर। अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी। और न्यूजीलैंड में नए साल का आगाज शानदार आतिशबाजी के साथ। 2017 का हुआ स्वागत, जश्न में डूबे लोग। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए टीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।